नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए बहुत खास है जिनके पास बहुत सारे ट्रक्स हैं या फिर जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जिनके पास बहुत सारे ट्रक्स रहते हैं या जिनके पास बहुत सारे जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उनको जो है वो अपनी गाड़ी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मेंटेनेंस की बात करी जाए तो ड्राइवर किस तरीके से गाड़ी चला रहा है, क्या व्यवहार है ड्राइवर का चलाते वक्त, ड्राइवर ने अगर कहीं एक्सीडेंट कर दिया तो किसकी गलती थी, ड्राइवर की गलती थी, सामने वाले की गलती थी, तो इन सारी चीज़ों का जो खर्चा है ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है। और इन सब चीजों को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी गाड़ी के अंदर के जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे और हमारा जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि गाड़ियों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा खर्चा आता है और ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर पेट्रोल पे सबसे ज्यादा खर्चा आता है। अगर आप इसको सही तरीके से चलाएंगे तो आपकी कार के अंदर जो है अच्छी एवरेज या फिर आपकी गाड़ी ट्रक के अंदर जो है बहुत अच्छी एवरेज मिलेगी, साथ ही साथ जो आपका टायर का खर्चा आता है वो भी जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है टाटा ने अपना फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च कर दिया है और इस सिस्टम के अंदर जो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लेकिन इसके इतिहास को थोड़ा जान लेते हैं। 2005 के अंदर जो है टाटा मोटर्स ने जो है अपने इस पूरे सिस्टम को लॉन्च करने का सोचा था और 2005 में ही जो है टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट हम जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा आपकी जितने भी व्हीकल हैं उसके अंदर के सॉफ्टवेयर हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो भी सेंसर वाली चीज़ें हैं, जो भी आपका पंप हो गया, आपका फ्यूल इंजेक्टर्स हो गए, इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं और टाइम टू टाइम देखते हुए जो है हम जो है उसको पूरा कंट्रोल करते हुए अपनी पॉल्यूशन नॉर्म्स को कंट्रोल कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी व्हीकल की हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं। तो बात करी जाए कि टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट को अगर हम थोड़ा और एडवांस कर दें, इंटरनेट से कनेक्ट कर दें तो हमें क्या फ़ायदा होगा और फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली है क्या। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम वही है जिसके अंदर आप बेसिकली अपने सिस्टम को, टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट को एक इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी व्हीकल की पूरी जानकारी जो है आप अपने फ़ोन से ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 ट्रक हैं, 100 ट्रकों का जो है आप डेली बेसिस पे चेकअप नहीं ले सकते। कई गाड़ियां जो है आपकी कन्याकुमारी में घूम रही है, अहमदाबाद में घूम रही है, दिल्ली में चल रही है, हरियाणा में चल रही है, तो अलग अलग स्टेट्स में कई गाड़ियां चल रही हैं और आप चाहते हैं कि मुझे हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी, मेरी गाड़ी किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से मैं उसको इस्तेमाल करूं कि और अच्छा जो है मेरा प्रॉफिट हो जाए, गाड़ी का खर्चा कम हो जाए। तो इस फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी कि आपकी गाड़ी किस तरीके से चलाई जा रही है, ड्राइवर का क्या बिहेवियर, चलाते वक्त कितने स्पीड पर चला रहा है, क्या उसकी लाइव लोकेशन है, साथ ही साथ जो है आपका इंजन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आपकी गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत है, कोई पार्ट्स की प्रॉब्लम आ रही है और आपके ड्राइवर किस तरीके से आपके टायर को मेंटेन कर रहा है या फिर उनके अंदर जो है टायर्स को किस तरीके से गाड़ी को इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर टायर खराब भी हो सकते हैं। तो ये सारे अलर्ट्स जो है आपको इस टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट में मिलेगा। अभी टाटा ने जो है इसको सिर्फ अपना लॉन्च करने का सोचा है, कब तक जो है ये पूरे कॉमन मार्केट में या कॉमन प्लेसेस में आपको मिल सकता है या फिर किन ट्रकों में ये अवेलेबल होगा, उसके लिए जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपको ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ जो है सबसे पहले मिलेगी कि अगर कोई भी ऐसा ट्रक होगा जिसके अंदर टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट लॉन्च किया जाएगा तो हम आपको वहाँ पे जरूर बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली आपको हेल्प करेंगी अपने पूरे बिजनेस को अच्छे से मेंटेन करने के लिए और अच्छे से जो है आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको बेनिफिट देंगे और किस तरीके से अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो को तो हम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिनके पास भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि वो समझ पाएं कि टाटा किस टेक्नोलॉजी को ला रहा है और क्यों जो है उनको टाटा की तरफ शिफ्ट होना चाहिए या फिर क्यों उस टेक्नोलॉजी को जो है उनको अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।